हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप लोग का RLY ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक यादव स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग उस वीडियो का लाभ ले सके। दोस्तों, चलिए देखिए, आज का दोस्तों हमारा कोई किसी सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है, जो कि टॉपिक तो है दोस्त लेकिन किसी सब्जेक्ट का नहीं है, लेकिन जो टॉपिक आज का होगा वो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अलजेब्रा के कुछ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आज हम फार्मूले बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ फार्मूले को राइट किया है, क्योंकि आपको जो समय हो लास्ट ज्यादा ना हो और वीडियो लंबी ना हो, और इसके बाद कुछ फार्मूले राइट किए हैं, इसके बाद और भी आपको फार्मूले बताए जाएंगे दोस्त। फिर भी देखिए एक बार हम उसको रीड करते हैं, क्या फार्मूले दोस्तों आप लोग, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक कॉपी अगर बना रहे हैं तो नोटबुक में इस फार्मूले को राइट करिएगा दोस्तों, आपको यह बहुत ही काम के फार्मूले दोस्तों। चलिए देखिए, पहला दोस्तों हमने फार्मूला क्या राइट किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका अच्छा छह से पढ़ते इसको आ रहे होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आपको होगा दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रेकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी। चौथा दोस्तों हमने राइट किया है, ए स्क्वायर प्लस बी, इसका दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है, बीच 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 में मिल जाता है परेशान करने के लिए। आप दोनों फार्मूले याद करिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहिए तब माइनस टू ए बी, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, दोनों क्लियर कॉन्सेप्ट से एकदम। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रेकेट इन ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर होगा। फिर अगला होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी ब्रेकेट इन ए माइनस बी, भी क्लियर हो गया होगा दोस्त। चलिए देखिए, आपको यहाँ से सातवां फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए तो फार्मूला आपको दोस्तों अक्सर मिलता रहता है रीड में, यहाँ तक एक ब्रेकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, इसका ए भी बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रेकेट इन ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर, आपको ध्यान दीजिएगा। फिर अगला होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू एक ब्रेकेट में ए माइनस बी दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला होगा दोस्तों, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रेकेट इन ए माइनस बी, जैसा आपको राइट किया गया, ध्यान दीजिएगा। अगला फार्मूला दोस्तों आपके लिए फैक्टराइज करने के काम आता है दोस्तों, इससे आप गुणनखंड करेंगे, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए एक ब्रेकेट में एक्स प्लस है दूसरे में एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रेकेट इन एक्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ध्यान दीजिएगा। अगला होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, आपको दोस्तों याद फार्मूला आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो दोस्तों टॉपिक का फार्मूला है, जो कि आपको हर वक्त काम देगा दोस्त। इसी के इक्वल आप एक फार्मूला और राइट कर सकते हो, देखिए इसको आप क्या राइट कर सकते हो, दिमाग से राइट करिएगा। और अगर राइट करना चाहोगे, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस टू ए प्लस फोर ए बी दोस्त, इसको आप इस तरीके से और राइट कर सकते हो, देखिए। और इसको आप एक तरीके से इसको भी राइट कर सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी दोस्तों, ये दोनों टॉपिक को आप एक तरीके से और राइट कर देंगे। जैसे देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप ए पुट कर देंगे तो ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, दोनों घट जाएगा फिर ही बन जाएगा। यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर देंगे टू ए बी फोर घट जाएगी बनेगी। दोस्तों आप उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ताकि हम अगला आपको क्वेश्चन आपको बताए फार्मूला जो अगला 11 नंबर पे होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। इसके साथ इसको हम इरेज करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन शॉट लेकिन लेना ना भूलिए दोस्तों। देखिए इसके आगे हमने कुछ फार्मूले फिर से राइट कर दिए, देखिए अगला जो होगा 11 नंबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर दोस्त क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, जैसे आपको हमने राइट किया दिख रहा होगा। अगला होगा, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्त। अगला होगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर, तो इसका फॉर्मूला होगा दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, तो हमने राइट किया, आप मिलाते रहिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। और अगला आपको दोस्त होगा, जो कि इस फार्मूला आपको दोस्तों किसी बुक में नहीं लिखा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ब्रेकेट इन ए बी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले ए बी है,
फिर एसी है, फिर एडी है, फिर बीसी होगा, फिर बीडी होगा, फिर अगला आपको हो जाएगा दोस्तों सीडी। तो आप मैच कर लीजिए, देखिए पहले ए बी है, फिर ए के बाद बी के बाद सी आता है, एसी फिर एडी, इसी क्रम से आपको याद करने के लिए राइट कर दिया गया दोस्तों। अगला आपको 15 होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर दोस्त आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला ये भी होगा, इसका फार्मूला होगा दोस्तों ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस 3 ब्रेकेट इन ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, जैसा कि आपको राइट किया गया दिख रहा होगा दोस्तों। इसी का एक दूसरा भाई होगा ए माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब बराबर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3 ब्रेकेट इन ए माइनस बी, दूसरे में बी प्लस सी है, अगला होगा ए माइनस सी, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल दोस्तों आपके क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन और गुणनखंड के काम आता है, इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगला दोस्तों 18 नंबर ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस सी का क्यूब है प्लस ब्रेकेट इन ए प्लस बी बी माइनस सी ए माइनस सी, दोस्तों आपको राइट किया गया दिख रहा होगा दोस्त। अगला होगा दोस्तों 19 नंबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रेकेट इन ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा आगे होगा दोस्तों दूसरे ब्रेकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, जैसा कि हमने राइट किया आपको दिख रहा होगा दोस्तों। यदि यही फार्मूले में आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए तो मतलब इसका मान अगर आपको जीरो मान रख दे पूरा जीरो हो जाएगा, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तब ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना है 3 ए बी सी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आप कितने ढेर सारे फार्मूले इकट्ठा कभी नहीं मिलेगा, ना तो किसी बुक में मिलेगा ना तो आपको कहीं कहीं स्कूल में लिखवाया जाएगा, आपको दोस्तों इतने फार्मूले कहीं नहीं बुक में लिखा मिलेगा, इतना हमारा चैलेंज है दोस्तों। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्त, धन्यवाद।